समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने अपना अगला कदम लगभग तय कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही चिन्ह पर विधायक बनने वाले खांटी नेता अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे। जी हां, आप सब ने बिल्कुल सही सुना, शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा तेज थी। शिवपाल यादव जल्द भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, ये खबर राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रही है। शिवपाल यादव अपने पुत्र आदित्य यादव और हजारों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। सूत्र कह रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र की मौजूदगी में शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव और समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि शिवपाल सिंह यादव नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की बैठक के अपने सभी राज्य कार्य समितियों, प्रकोष्ठों और प्रवक्ताओं को भंग कर दिया है। उनके इस कदम को काफी गंभीरता से लिया जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद से लगातार शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने अब जंग का आगाज कर दिया है। शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और प्रादेशिक प्रकोष्ठों के अध्यक्ष समेत संपूर्ण प्रवक्ता मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जल्द ही शिवपाल यादव अपना अगला कदम तय करेंगे। प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों ने इन दिनों इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव के हर कदम को परखने में ही पूरा समय दिया है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव लगातार चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि वो खोलकर अब अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये अटकलें तेज थी कि वो भाजपा की ओर झुक सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब वो सीधे तौर पर भाजपा की सदस्यता लेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।